सीएम बनने के बाद नायब सैनी का पहला दिल्ली दौरा, राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे सीएम नायब सैनी, प्रधानमंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की है। राष्ट्रपति भवन में फिलहाल राष्ट्रपति से मुलाकात चल रही है, तो प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात कर चुके हैं मुख्यमंत्री, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री से संकल्प सिद्धि का आशीर्वाद मिला, सीएम ने यह कहा, देश प्रदेश को नई गति मिली है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने यह बड़ी बात कही है। मुलाकात के बाद जेपी नड्डा अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। फिलहाल राष्ट्रपति भवन में है, द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात चल रही है, और दूसरी तरफ इससे पहले की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूटा और उसके बाद नायब सैनी मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। कल ही ध्वनिमत के साथ विश्वास मत भी मिल गया है। अब दिल्ली दौरे भी देखने को मिल रहे हैं। कल सौगात देते हुए भी नजर आए थे मुख्यमंत्री नायब सैनी, जो खराब फसल है उसे लेकर मुआवजा भी उन्होंने दिया था, और आज दिल्ली के दौरे पर है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला ये दिल्ली दौरा है उनका, और केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात हो रही है। दो तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है, जब पहुंचे थे पीएम से मुलाकात करने के लिए उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जब हरियाणा भवन में पहुंचे थे मुख्यमंत्री, उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई कुछ देर पहले, हम प्रधानमंत्री के साथ उनकी जो मुलाकात हुई है उसकी तस्वीर भी दिखा रहे थे। जब रवाना हुए पीएम से मुलाकात करने के बाद, उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री जब पहुंचे थे, उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा को जो गति विकास की चली है आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, जो काम हुए थे उन कामों को भी और गति देते हुए आगे बढ़ाना है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनका आशीर्वाद मिला है। आज आशीर्वाद लेने के लिए गया था। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की सरकार की जो एक मजबूती से हरियाणा के अंदर मनोहर जी के नेतृत्व में एक छवि बनी है, और अंतिम व्यक्ति तक उनके नेतृत्व में जो सरकार पहुंची है, उन सब बातों को भी आगे चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। दिल्ली से संवाददाता अपराजिता हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। अपराजिता, जानकारी आपसे चाहेंगे। राष्ट्रपति भवन में इस वक्त मुख्यमंत्री नायब सैनी मौजूद है, क्या कुछ अपडेट इस खबर को लेकर, मुलाकात को लेकर? जी बिल्कुल, राष्ट्रीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी बतौर मुख्यमंत्री पहली बार प्रेसिडेंट से मुलाकात करने पहुंचे हैं उनके भवन में। काफी देर हो चुकी है उनके पहुंचे, तो अब संभवतः जो मुलाकात है वो खत्म ही होने वाली होगी उनसे आशीर्वाद लेने के। साफ तौर से हमने उन्हें सुना है, उन्होंने जब प्रेस वार्ता की, संबोधन किया मीडिया से, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि आशीर्वाद लेने जा रहे हैं प्रेसिडेंट से अपने कार्यकाल को शुरू करने से पहले। तो मुलाकात हो रही है उनसे, एक नॉर्मल ऑफिशियल मुलाकात है। उसके बाद फिर वो वापस शायद हरियाणा भवन आएंगे, या फिर जैसा बिल्कुल आपने कहा कि शेष नेतृत्व से मिल रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की, अब आगे संभवतः गृहमंत्री अमित शाह से उन्होंने समय लिया है, संभवतः गृहमंत्री अमित शाह से वो मुलाकात कर सकते हैं, या फिर जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं, या फिर अन्य कोई और केंद्र मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। यह उनका स्केड्यूल है। 3 बजे का करीब समय है जब वो दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल राष्ट्रीय, बिल्कुल। और जैसा कि यह भी खबर है कि केंद्रीय नेतृत्व से अगर ये मुलाकात रही है तो कैबिनेट को लेकर भी चर्चा हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय, साफ तौर से कैबिनेट को लेकर चर्चा की गई है। अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो मुलाकात हुई है उसकी बात करते हैं, तो उनसे सवाल पूछा गया कि क्या कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा की गई है, तो इन तमाम उन्होंने कहा कि हरियाणा में जो भी मुद्दे हैं इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। बिल्कुल साफ तौर से ये जाहिर होता है कि हरियाणा में फिलहाल यही मुद्दे चल रहे हैं, क्योंकि अभी अभी जो उथल पुथल हुई है हरियाणा में, जो भी बदलाव देखने को मिले हैं, तो एक बहुत ही मुख्य मुद्दा है ये, विस्तार करने हैं विभागों, मंत्रियों के बीच विभाग बांटने, इन तमाम मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की गई है। अब साफ तौर से जब आगे वो जिनसे भी मुलाकात करेंगे, इन तमाम चीजों को लेकर मुलाकात की जाएगी। अब बिल्कुल देखिए राष्ट्रीय, किसका नाम आगे है
किन्हें दिया जाएगा, कौन शपथ ग्रहण करेंगे, किस तारीख करेंगे, क्या करेंगे, ये स्पष्ट रूप से अभी नहीं कहा जा सकता है। हालांकि चंडीगढ़ से सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि वहां पर तैयारियां चल रही है, मगर देखिए साफ तौर से नहीं कहा जा सकता क्योंकि भाजपा हमेशा से चौंकाती है, तो कब क्या होने वाला है ये नहीं कह सकते हैं। बट बिल्कुल इन सभी तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा की गई है, अब आगे जिनसे वो मुलाकात करेंगे उनसे भी इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा की जाएगी, साथ ही अध्यक्ष को लेकर भी, क्योंकि जो हरियाणा प्रदेश के जो अध्यक्ष थे नायब सैनी मुख्यमंत्री बनने से पहले वो अध्यक्ष का कार्यभार संभाल रहे थे, अब चूंकि वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो इस कार्य को कोई और संभालेगा। हालांकि जो नाम की जो चर्चा की बात करते हैं तो सबसे ऊपर जो नाम चल रहा है वो चल रहा है संजय भाटे का नाम चल रहा है, अब इन पर भी चर्चा की जा रही है कि क्या इन्हें बनाना है, अध्यक्ष कब बनाना है, तो उन तमाम चीजों को लेकर चर्चा चल रही होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा की गई है, अब जिनसे वो मिलेंगे इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा की जाएगी। राष्ट्रीय बिल्कुल संजय भाटिया का आपने जिक्र किया है, कल ही बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हुई है जिसमें हरियाणा के 6 नाम भी हैं। अब करनाल से संजय भाटिया चुनाव लड़ते आए हैं लेकिन इस बार उनकी जगह पर मनोहर लाल चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि शायद खास रखा गया होगा, तो खैर इस पर नजर बनी रहेगी अपराजिता। लेकिन सबसे पहले अगर हम नजर डालें तो नायब सैनी जब से मुख्यमंत्री बने हैं फॉर्म में नजर आ रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात कर रहे हैं, कल उन्होंने खराब फसलों को लेकर मुआवजा भी बांटा था, यानी कि वो धीरे धीरे अब आम जनता से जुड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर तो जुड़ ही रहे थे लेकिन अब मुख्यमंत्री के तौर पर जुड़ रहे हैं, तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कुछ मुख्य बातें कही हैं प्रदेश के विकास को लेकर? जी बिल्कुल, अगर हम गौर से उनकी जो भी संबोधन हुई है मीडिया को लेकर जो भी उन्होंने बातें कही अगर हम सुने तो मुख्य तौर से वही सब बातें की गई है जो नेशनल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करते आए हैं। जैसे विकसित भारत की वो बात करते हैं, उन्होंने विकसित हरियाणा की बात की है, विकसित हरियाणा की बात की है, और शायद अभी उनकी मुलाकात खत्म हो चुकी है, संभवतः राष्ट्रपति के साथ कुछ ही देर में वो हरियाणा भवन शायद पहुंचने वाले, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय अगर मैं दिखाऊं आपको यहां पर अगर मैं दिखाऊं आपको तो यहां पे जितने भी ट्रैफिक है उसे अभी क्लियर किया जा रहा है, क्योंकि हफ्ता जो उनका काफिला है उनका जो कार है वो पहुंचने वाला होगा राष्ट्रीय, इस वजह से पूरे ट्रैफिक एरिया को भी क्लियर करना किया जा रहा है। हम देख सकते हैं सभी को यहां से हटाया जा रहा है, एम्बुलेंस अभी यहां से गुजरी है, सभी वाहन को यहां से हटाया जा रहा है, आने वाले हैं। राष्ट्रपति के साथ उनकी मुलाकात संभवतः खत्म हो चुकी है, कुछ ही देर में वो वापस से संभवतः हरियाणा भवन पहुंचेंगे, हरियाणा भवन पहुंचने वाले होंगे। बिल्कुल राष्ट्रीय कुछ ही देर में वो हरियाणा भवन पहुंच जाएंगे, और बिल्कुल जैसा कि आपने पूछा कि क्या कुछ उन्होंने अपने संबोधन में कहा है, तो बिल्कुल जो कुछ भी नेशनल स्तर पर राष्ट्र स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते आए लोकसभा चुनाव को लेकर या अनदिना भी बोलते रहते हैं, वो जैसे विकसित भारत की बात करते हैं ठीक उसी प्रकार से उन्होंने विकसित हरियाणा की बात की है, सभी 10 लोकसभा सीटों को जीतने की बात की है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते आए हैं कि 370 का आंकड़ा है, 370 का लक्ष्य लक्षित किया है भाजपा ने स्वयं के लिए, और 400 ऊपर का नारा किया है उसके लिए सभी 10 लोकसभा सीट हरियाणा में, क्योंकि देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की थी हरियाणा में सभी 10 लोकसभा सीटों पर, तो इस बार भी उन चीजों को लेकर भी चर्चा की गई है, और साथ ही सभी को साथ में लेकर चलना है, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा दायित्व होता है, मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा दायित्व होता है कि सभी को साथ में लेकर चले, एक टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उन चीजों को लेकर भी चर्चा की गई है। और सबसे पहले उन्होंने साफ तौर से कहा कि मैंने आशीर्वाद लिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, क्योंकि कल भी हमने उनका संबोधन सुना था, उन्होंने साफ तौर से कहा था कि वो आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद प्रकट करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, साथ में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी उन्होंने धन्यवाद किया था, तो इन तमाम चीजों का वर्णन उन्होंने किया। साथ अगर मंत्रिमंडल की बात करें तो बिल्कुल उन्होंने जैसा आपने पूछा था कि क्या मंत्रिमंडल को लेकर इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा की गई, तो उस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी चर्चा हुई है, अब जब उनसे सवाल किया गया कि क्या कब विस्तार होगा, किनके नाम होंगे, इन तमाम चीजों पर उन्होंने कहा कि उन्होंने बात घुमा दी, तो साफ तौर से चर्चा और बातें अभी पहले किसे पता था कि नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे, और वैसा ही सस्पेंस मुझे लगता है कैबिनेट के लिए भी क्रिएट किया जा रहा है, तो विस्तार करना होगा, और जैसा कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री का काफिला कुछ ही देर में पहुंच सकता है, तो आगे वो तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अपराजिता जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिएगा हमारे साथ। एक तरह से देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है, फिलहाल राष्ट्रपति भवन में मुलाकात चल रही है, खबर यह भी है कि कुछ ही देर में मुख्यमंत्री का काफिला जो है वो हरियाणा भवन पहुंचेगा।